नमस्कार, भाग्योदय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देते हैं पंचांग की, बताते हैं दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज जो हमें पंचांग भेजा है वह है दिल्ली से पंडित के शर्मा जी ने भेजा है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है आज का पंचांग। आज 5/2/1947 है, रवि उत्तरायण मास आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि तृतीया है। आज सूर्योदय हुआ है 5:50 पर। हम खास करते हैं वो है सासुर की आज उत्तर दिशा में यात्रा करना शास्त्रों द्वारा वर्जित है, आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। क्या कर रहा है, कैसा रहेगा आज का दिन? आज आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, घर में मेहमानों का आगमन होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, विवेक से कार्य करें, विरोधी सक्रिय रहेंगे, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा, नौकरी में चयन रहेगा, आय में वृद्धि होगी, मित्रों के साथ मनोरंजन व्यतीत होगा, परमात्मा करें। और अंत में वृश्चिक जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज आपके प्रयास सफल रहेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा, आय में वृद्धि होने वाली है, किसी बड़े काम को करने में रुझान का कारोबार होगा, सुख के साथ घर तनाव रह सकता है। कैसा रहेगा आज का दिन? आज आपको प्राणों को भर सकता है, किसी भी समस्या का सामना भी हो सकता है, लेन देन में विशेष सावधानी बरतें, वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग से बचें, दुखद समाचार मिल सकता है, किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है, कार्य में विलंब होगा, आय में निश्चितता रहेगी। अब अंतिम कर्ज जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज आपको किसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जल्दबाजी और लापरवाही ना करें, पुराना रोग उभर सकता है, भाग दौड़ रहेगी, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेंगे, किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा, स्वादिष्ट भोजन का आपको आनंद भी मिलेगा। अब यंत्र सिंह जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज आपको लेन देन में जल्दबाजी नहीं करना है, किसी अपरिचित पर अति विश्वास ना करें, आय में वृद्धि होगी, भूमि या भवन संबंधी योजना बनेगी, कोई बड़ा लाभ हो सकता है, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे, भाग्य बेहद अनुकूल है, घर बार बनी रहेगी। कैसा रहेगा जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, सुख के साथ जुटेंगे, निवेश में शुभ रहेगा, नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे, लाभ के अवसर आपको हाथ आएंगे, घर बार प्रसन्नता बनी रहेगी। अब अंत तुला जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज आपको वाहन मशीनरी आदि के प्रयोग से सावधान रखना है, हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें, हो सकता है, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आय में निश्चितता रहेगी, ईश्वर पर व्यय करें। आइए जानते हैं वृश्चिक जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज आपको कुसंगति से हानि होगी, पूजा पाठ में मन लगेगा, कोर्ट कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, भाइयों का साथ मिलेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। अब आइए जानते हैं धनु जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज आपकी नई योजना बन सकती है, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे, लंबे समय से रुके हुए कार्य आपके आज गति आएगी, जोखिम जमानत को काज टाल दें, स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। और मकर जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज आपके पुराने शत्रु परेशान कर सकते हैं, थकान कमजोरी रह सकती है, व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, डूबी हुई रकम भी प्राप्त होगी, व्यापार में वृद्धि के योग है, आय होगी, प्रमाद न करें। और अंत में कुंभ जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज आपको अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे, कर्ज लेना पड़ सकता है, दूसरों से अपेक्षा पूर्ण होने की चिंता होगी, कार्य में विलंब होगा, स्वास्थ्य रहेगा, किंतु रहेगी बेचता रहेगी। अब यहाँ पे मीन जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज? आज आपको रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे, व्यवसाय की यात्रा सफल रहेगी, अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, किसी बड़ी बाधा के दूर होने की प्रसन्नता रहेगी, भाग का साथ मिलेगा, विवाद से क्लेश संभव है, लेन देन में जल्दबाजी न करें। आपने भागवत कार्यक्रम में जाना पंचांग के बारे में और दैनिक खबरों के बने रहिए हमारे साथ। हम दीजिए नमस्कार।